चार बड़ी फैंस नवीन को नजर पर यहाँ पर डिफेंस में नवीन को रोकने की कोशिश करनी होगी। नवीन काफी अच्छे खिलाड़ी हैं मगर इस बार दोनों थाई में हाथ मारा, एंकल मिले और नवीन आउट होकर बाहर। उन्हें क्या यहाँ के रेड कुछ बार बोनस लेकर गए थे, छह का डिफेंस तो बोनस ऑन एंकल होल्ड डैश भी कर दिए गए, एंकल तो हाथ से निकल गया मगर डैश कर दिए गए। एक पॉइंट और फिलनवाद के लिए, काफी बढ़िया शुरुआत फिलनवाद की। तो मेरे रेडर यहाँ के डिफेंस को पूरी तरह से बीट करते हुए यहाँ पूरी टीम का सपोर्ट जी हाँ डैश कर दिए गए। एक बॉल बस क्याला के लिए, क्याला का डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा अभी, बैक टू बैक टैकल कर रहे हैं दोनों टीमें बराबर की हैं, तो काफी रोमांचक मैच होगा। तो मैं यहाँ फोर्स करेगा अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय मिलता है एक रेड में और लगभग 20 सेकंड का समय ले चुके हैं सेफ लोटे। तो मैं नवीन आए हैं रेड पर, नवीन काफी अच्छे रेडर हैं और लगातार पॉइंट निकाल एक बार टैकल जरूर हुए हैं। जी हाँ टैकल की कोशिश की मगर ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाए। एक पॉइंट और किया यहाँ फिलनवाद के लिए, लगातार फिलनवाद स्कोर करती जा रही है। खिलाड़ा का डिफेंस उन्हें उतना ठीक तरह से परेशान नहीं कर पा रहा। खिलाड़ा के खिलाड़ी पर कोशिश करेंगे कि पॉइंट निकाले क्योंकि लगातार चार पांच के डिफेंस के साथ खिलाड़ी की खेल रही है। टच क्लेम किया जी हाँ टच माना गया, एक पॉइंट और खिलाड़ा के लिए वापस नहीं गेट पर काई के बन बन के क्या जरूरत हुई है काफी अच्छी और लगातार पॉइंट निकाले अपनी टीम के लिए। ब्रेक की करने की कोशिश, कॉर्नर को लगातार प्रेशर देने की कोशिश की। तो नहीं खिलाड़ा की ओर से रेडर काफी बढ़िया हेडर है, आप ही अपनी रेड को पहले वैलिड किया ज्यादा चांस मिले, अचानक से गति से बिजली की गति से अटैक करते हैं और पुणे लौटाते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि वहां का बिल्डिंग डिपार्टमेंट